Hello everyone, welcome back to my channel at Sected International. I hope you all are doing good at your homes. Thank you for clicking this channel. This is your visa advisor. आज की वीडियो है कनाडा वालों के लिए जिनका सपना है कनाडा जाने का या वो ऑलरेडी कनाडा में रह रहे हैं, तो आज की वीडियो कनाडा वालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने के लिए जा रही है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वांट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं रेगुलर अपडेट्स कनाडा से रिलेटेड और बाकी कंट्री से रिलेटेड भी आपके लिए लाती रहती हूं। तो अगर आप लोग उन अपडेट्स को मिस नहीं करना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। एंड ऑल्सो अगर आपको किसी भी कंट्री के वीजा से रिलेटेड कोई एडवाइस चाहिए, जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड, यूरोप, यूएसए और एनी अदर कंट्री, तो आप हमें नीचे मेंशन नंबर्स के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वी वुड लव टू हेल्प यू। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा में ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं तो उनको ग्रेजुएशन करने के बाद वर्क परमिट मिलता है। आप ये भी कह सकते हैं PGWP यानी पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलता है ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद। एंड आपको ये भी पता है कि कनाडा में बहुत ज्यादा लेबर शॉर्टेज भी है, तो कनाडा के गवर्नमेंट ने इस बात को मद्देनजर रखते हुए एक डिसीजन लिया है रिसेंटली, जिसमें IRCC ने ये डिसाइड किया है कि जितने स्टूडेंट्स का PGWP खत्म हो रहा है या फिर खत्म हो चुका है तो उनको एडिशनल वर्क परमिट मिलेगा। एंड वो वर्क परमिट कितने टाइम का मिलेगा, असल में वो जो वर्क परमिट है वो 18 मंथ्स का यानी कि 1.5 साल का मिलेगा। दिस इज अ वेरी बिग गुड न्यूज फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जिनका की PGWP एक्सपायर हो गया था या फिर होने वाला था, तो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। असल में ये जो PGWP है, पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट, वो टिपिकली तो एक्सटेंडेड नहीं होता, पर जब कनाडा के गवर्नमेंट ने ये देखा कि भाई स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ रहा है आफ्टर ग्रेजुएशन, क्योंकि उनका जो वर्क परमिट है वो एक्सपायर हो चुका है या एक्सपायर होने वाला है, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि स्टूडेंट्स की मदद करने के लिए वो ये काम जरूर करेंगे, यानी कि उन्होंने ये स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए ये बेटर डिसीजन लिया है। एंड आपको ये बता दूं कि ये शुरू कब होने वाला है, ये 6 अप्रैल 2023 से शुरू होने वाला है। इसी के साथ साथ कनाडा में बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयर्स हैं जिनको लेबर शॉर्टेज है, उनकी कंपनी ग्रो नहीं हो रही, उनके ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ नहीं हो रही, तो इस डिसीजन का फायदा एम्प्लॉयर्स को भी होने वाला है और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी होने वाला है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयर्स को एम्प्लॉयज मिल जाएंगे और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको काम मिल जाएगा। एंड इस डिसीजन का उन स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है जिनको की फ्यूचर में कनाडा में PR लेनी है। अब आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट एक्सटेंड कैसे करना है, यानी कि आपको कहाँ जाना पड़ेगा इस काम को पूरा करने के लिए, अप्लाई करने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये अप्रैल 6, 2023 से शुरू हो रहा है, तो वो कैंडिडेट्स जो कि PGWP के एक्सटेंशन के लिए एलिजिबल हैं, उनको मैसेजेस पहुंच जाएंगे जैसे ही वो IRCC के सिक्योर अकाउंट में लॉगिन करते हैं। एंड इस चीज का फायदा जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि उनको वर्क एक्सपीरियंस भी मिलेगा, साथ साथ में इनको PR में भी मदद होगी। वो फॉरेन नेशनल्स जिनका PGWP 2022 या 2023 में एक्सपायर हो गया है, उनके पास भी ये अपॉर्चुनिटी है कि वो ये एक्सटेंडेड वर्क परमिट को पा पाए जो कि 18 मंथ्स का है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज कैंडिडेट जिनको की एक्सटेंशन मिलने जा रही है पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट में। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो आप इसको लाइक कीजिए। एंड अगर आप ऐसे ही और अपडेट्स पाना चाहते हैं, अप टू डेट रहना चाहते हैं कनाडा के न्यूज के साथ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।